हरियाणा में जो माहौल था वो लग नहीं रहा था कि इस तरह का माहौल जो है हरियाणा में जो है होगा, लेकिन आप देखिएगा सब लोग आश्चर्य कर रहे हैं। हरियाणा के चुनाव को रिजल्ट को लेकर के तो भाजपा के लोग भी शुरू से कॉन्फिडेंट नहीं थे। वहाँ के मुख्यमंत्री का ही कई बार बयान आया कि जरूरत पड़ेगी तो हम जो है गठबंधन करके भी सरकार बनाएंगे, तो उनका बॉडी लैंग्वेज एक तो कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन फिर भी जो जो है आश्चर्य जनक जो है वो आया है रिजल्ट। लेकिन फिर भी जो जनता मालिक है, मालिकों का जो हुक्म बिहार में की स्थिति थी और एनडीए के नेताओं के द्वारा यह कहा जा रहा था कि विपक्ष का नेता गायब है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब बिहार सरकार के मंत्री खुद ही बोल रहे हैं कि वो चौकस नहीं थे, सबसे बड़ी बात तो यह है जो बिहार सरकार के मंत्री ने ही कह दिया अपने ही सरकार पे कि हम और थोड़े चौकन्ने होते तो शायद ये नहीं होता, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, पहले अपने गिरिबान में झाके देखना चाहिए। देखिए देखिए देखिए, बहुत ही हास्यास्पद है, हंसी आती है। बीजेपी को डर जो है और बीजेपी के साथियों को डर आरजेडी से है और तेजस्वी से है। हमारे जो इमेज है उसको ये लोग जो है खराब करना चाहते हैं। हम लोगों ने जो कहा वो किया, तेजस्वी ने जो कहा वो किया, हमने नौकरी की बात की तो नौकरी दिया, और ये लोग घबराहट में किसी भी तरीके से हमारे चरित्र को खराब करना चाहते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी सत्ता में आ नहीं सकती अपने बल बदौलत, और वो चाहते हैं कि तेजस्वी को बदनाम करके सत्ता में आ जाए, जो कि कभी पूरा होने वाला नहीं है। हम तो कहते हैं भाई जांच एजेंसियां तुम्हारी हैं, ईडी सीबीआई ले आओ। हम तो चैलेंज ठोक के बोलते हैं तुम्हारी ईडी सीबीआई कहाँ है, और बिना सत्य के कोई भी आरोप लगा रहा है, बिना प्रमाण दिए हुए कोई भी आरोप लगा रहा है। भवन निर्माण विभाग को पत्र क्या बोला भाई, क्यों नहीं भवन, कोई भी एड़ू गेड़ू आकर के बयान देते रहे और आप लोग भी चला दे रहे हैं किसी के भी आरोप को, ये सरासर ठीक नहीं है। वेरीफाई करके चीजों को जो है पेश करना चाहिए, लेकिन जो छुटपुटैया नेता सब है जिसको कोई जानकारी नहीं है, सच का पता नहीं है, मेरे पास एक एक वीडियो रिकॉर्डिंग है, हम अभी शिफ्ट किए नहीं है, वहां का भी वीडियो रिकॉर्डिंग है। सुशील मोदी जी के बाद तारकेश्वर जी आए, उनसे जाकर के पता कीजिए कि क्या क्या लेके गए, क्या क्या नहीं लेके गए, क्या क्या छोड़ के गए थे, उसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है और अभी का भी वीडियो रिकॉर्डिंग है। कोई प्रमाण होना चाहिए ना, ये किस, हम लोगों ने पूरी तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग करके भवन निर्माण के लोगों को हमारे लोगों ने सौंपा है। कल चोरी कर लिया, टोटी चोरी कर लिया, फल्ला चोरी कर लिया, इस तरह का जो लोग आरोप लगा रहे हैं, हमने सबको देखा है, सबको, जो लोग बोले हैं, जिन लोगों ने आरोप लगाया है और जिन लोगों ने गलत दिखाया है, सबका हमने अपने लोगों को बोल दिया प्रोफाइल बनाओ। हमने अपने वकीलों से बात की है, जल्दी ही उनको लीगल नोटिस जाने वाला है। अगर तेजस्वी दोषी है तो भवन निर्माण को बताना चाहिए वो क्यों खामोश है, और नहीं अगर कुछ भवन निर्माण बोलेगा तो उसको भी हम पार्टी बनाएंगे और पार्टी सबको अदालत ले जाने का काम करेंगे। तेजस्वी जो कहता है वो करता है, लेकिन इस तरह का छिछोड़ापंती, इस तरह का घटिया आरोप, किस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है कि हम कल उठा के ले गए, पॉट उठा के ले गए, हम तो आज ही पहुंचे, और आरोप लगाया जा रहा है तेजस्वी पर। खैर जो भी बात है, बिना प्रमाण दिए हुए इस तरह का ओछी राजनीति
भाजपा के लोग ही कर सकते हैं। एक बात समझ जाइए, बिहार की जनता के सामने कितना भी तेजस्वी की छवि को खराब करने का काम करोगे, ये बिहार की महान जनता जो है तेजस्वी के चरित्र को जानती है। तेजस्वी सकारात्मक राजनीति करना चाहता है, इस तरह की उलूल जुलूल राजनीति की बात नहीं करना चाहता। हम पढ़ाई दवाई कमाई की बात कर रहे हैं, वो हम पे चोरी का अंजाम लगा रहे। कैसी सरकार है तुम्हारी, कैसी सरकार है, क्या कर रही है तुम्हारी एजेंसी? ईडी सीबीआई को भी लगाओ, है हिम्मत तो? अगर नहीं लगाते तो सर माफी मांगना चाहिए इन लोगों को। कोई भी प्रवक्ता टिचपुंजिया देख रहे जिसको कोई जानता नहीं, वो घुस करके डिप्टी सीएम हाउस में उसको कौन अलाउ कर दिया भाई? ये तो भवन निर्माण के लोग आने चाहिए ना, अभी उनको बताना चाहिए। अरे भाई बेल तो मिलना ही है, क्योंकि झूठा आरोप लगाया गया, झूठा मुकदमा किया, केस में दम नहीं है और हम लोगों को न्याय मिला, आगे हम लोग जीतेंगे। और एक बात और बता दें, हम लोग पूरी तरीके से बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं, बिहार के लोगों की तरक्की देखना चाहते हैं, उसलिए कई प्रकार के प्रहार किए जा रहे हैं हम पर। चाहे बीजेपी आगे से ना करे, पीछे से करवाए, सत्ता में बैठे हुए लोग ही गाली दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, बल्कि उनको जवाब देना चाहिए कि तुम 20 साल तक सत्ता में रहे, बिहार के लोगों के लिए क्या किया? क्यों नहीं गरीबी बेरोजगारी पलायन को मिटाया? तेजस्वी को गाली देने से नहीं, आज 8 महीना से ज्यादा हो गया डबल इंजन की सरकार को कौन सा एक नौकरी दिया हो तो बता दो, कोई काम नहीं कर रहा। और हम लोग सरकार में आएंगे, बिहार की जनता राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को सरकार में लाएगी, एक नया बिहार बनाएगी जहां केवल विकास की बात होगी, जहां तरक्की की बात होगी, जहां पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई की बात होगी, और जो रोजगार जो बचे हैं उसको भी हम लोग पूरा करेंगे।